हेलो मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से आज की इस वीडियो में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी कर्ण राशि के लोगों के लेकर आए हैं, जो कि कर्ण राशि के लोगों को आज को दैनिक राशिफल, दैनिक पंचांग और दैनिक दिनचर्या के बारे में बताना चाहेंगे कि आज के दिन के दैनिक राशिफल के दौरान किस प्रकार कुछ घटनाएं हो सकते हैं और आप सभी कर्ण राशि के लोगों को जीवन में किस प्रकार खुशियों को प्राप्त करने के मौके मिल सकते हैं। तो कुछ बड़ी घटनाएं के संचार किस प्रकार हो सकते हैं, तो तमाम समस्याओं का निदान किस प्रकार हो सकता है, तो तमाम चीज़ों को लेकर उनमें शांति और सद्भाव को स्थापित करने का कार्य किस प्रकार हो सकता है। और आज आप सभी को बताना चाहेंगे कि कैसा रहेगा, किस प्रकार की खुशियाँ मिलेंगे, किन घटनाओं के शिकार होंगे आज के दिन का आपका व्यापार, व्यवसायी कैरियर लाइफ, आप सभी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा तथा माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप सभी के जीवन में कौन सब बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकते हैं। तो आपका लकी नंबर, लकी कलर कौन सा रहेगा, भाग्य का साथ और किस्मत का सपोर्ट किस प्रकार मिल सकते हैं, आपके जीवन में किस प्रकार लाभकारी परियोजनाओं को बनाना भी किस प्रकार सुपर बेहतर हो सकते हैं, तो आज आपको बताएंगे कौन सा महत्वपूर्ण काम काजों को अंतिम रूप तक देना पड़ सकता है, तो किस प्रकार से आपके जीवन में खुशियों को प्राप्त करने के मौके मिल सकते हैं। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो वीडियो को पूरा से पूरा अंत तक देखें। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, माता रानी की भक्ति कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें। तो दोस्तों, आज का दिन काफ़ी बढ़िया है और आप सभी को जीवन में सफलता का प्रतिशत ऊंचा रह सकता है। जीवन के पंच नीतियों को प्राप्त करना हो सकता है। दिन के हिसाब किताब से देखा जाए तो थोड़ी सी बहुत सावधानियाँ पूर्वक कार्य को करना हो सकता है। दोस्तों, घर में नवीकरण का कार्य हो सकता है, साथ सज्जा को घर में चीज़ों को लेकर विकसित करने का कार्य हो सकता है। आज किसी संपर्क के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलने का कार्य हो सकता है, जिस पर आपको अमल करना आपको लाभ प्रदान करने वाला है। कोई रुका हुआ उधार दिए हुए पैसों की वापसी आज संभव होने वाली है। समझदारी और उचित वार्तालाप के द्वारा आप अपने काम निकाल लेंगे। गैर कानूनी कार्य में रुचि नहीं लेंगे, वरना किसी भी सरकारी मामलों में फंस सकते हैं। पैसा आने के साथ साथ खर्चे भी आप सभी के तैयार रहेंगे। किसी भी नजदीकी मित्र के संबंधों में खटास बिल्कुल नहीं आने दें। जी हाँ, व्यवसाय संबंध कुछ नए प्रस्ताव सामने आ सकते हैं। बेहतर होगा कि इनमें ही आप सभी को अपना जो है मन लगा ध्यान लगा कर रखना होगा। कोई भी व्यावसायिक निवेश करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करना जरूरी हो सकता है। पार्टनरशिप संबंधित आज विनाश में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। घर की व्यवस्थाताएं आप सभी का उचित बनाए रखने में आपका सहयोग जरूरी हो सकता है। प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंधों में मधुरताएं आने का कार्य हो सकता है। महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी रह सकते हैं। दोस्तों, योगा मेडिटेशन पर आपको अधिक ध्यान देना हो सकता है तथा उचित रूप से आपको इलाज करना हो सकता है। आपको होने वाले महसूस होने वाले नकारात्मकताओं से बाहर निकलकर नए अवसर की तरफ ध्यान दिया जा सकता है। काम की गति धीमी रह सकती है, लेकिन काम को पूरा करने का जज्बा आपका बना रह सकता है, जिसके कारण बड़े काम को अंजाम तक पहुंचाना संभव हो सकता है। परिवार के लोगों का जो विश्वास आपने खोया था वह फिर से प्राप्त होगा, जिसके कारण भी रिलेशनशिप में सुधार नजर आएगा। करियर संबंधित किसी भी बात की चिंता बिल्कुल न करें, उपेक्षा के अनुसार योग समय पर प्रगति प्राप्त होते रहेंगे। पार्टनर्स के साथ बातचीत बंद हो सकते हैं। यह समय आपकी रिलेशनशिप से संबंधित हुई गलतियों का अवलोकन करने के लिए इस्तेमाल कर भी सकते हैं। कंधे में जकड़न महसूस हो सकते हैं। जीवन में कुछ बेहतर कार्य हो सकते हैं और आज आप सभी को जीवन में ज़्यादातर काम नियम समय पर और योजनाओं के मुताबिक जो हैं निपटते चले जा सकते हैं। अगर कोई सरकारी कार्य रुका हुआ है तो आज के दिन उसके हल हो जाने की उचित संभावना बन जा रही है। सामाजिक रूप से उत्सवों में गतिविधियों में आपका उचित योगदान रह सकता है। प्रॉपर्टी अथवा वाहन के खरीद विक्रय का संबंधित कोई भी और कार्य करने जा रहे हैं तो देन देन बहुत ही सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई और अधिक ध्यान मेहनत की जरूरत रहेंगे। किसी को भी पैसा बिल्कुल न दें। कार्य क्षेत्र पर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अपने व्यावसायिक कार्य प्रणाली को शीघ्र रखें तथा किसी से भी शेयर न करें। कोई कर्मचारी ही आपकी गतिविधियों का नजायज फायदा उठा सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों की राय आपके लिए फायदेमंद होंगे। दृढ़ सुप और बेहतर कार्य होंगे। जामा बिंदुवास ने